दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए एक नई प्रोफाइल के साथ उपलब्ध है। दोस्तों आइए उस प्रोफाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो रिश्ता कैसा है, कैसा नहीं है, क्या वो आपके लायक के सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जी दोस्तों आइए उस रिश्ते के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आप मैं छोटा सा परिचय अपने बारे में दे दूँ। मैं रवि सर के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, रजनीश कुमार। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए प्रोफाइल के बारे में हम आपको जानकारी साझा करते हैं। तो आपको एक बगल में प्रोफाइल दिख रही होगी, दोस्तों बगल में आपको एक प्रोफाइल दिख रही है, उसमें सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हो सकता है किसी भाई बंधु को इंग्लिश पढ़ने में असुविधा होती हो, तो उसके लिए आप 1% चिंता मत करिए दोस्तों। हम बैठे हैं, आपको सब कुछ हिंदी में पढ़कर बताएंगे। दोस्तों आइए प्रोफाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैडम का नाम है काजल, एज इनकी 33 यानी कि 33 साल इनकी उम्र है, और हाइट की बात करें तो 5 फीट 2 इंच इनकी हाइट है। हाइट की बात करें तो 5 फीट 2 इंच इनकी हाइट है, और वर्क का यानी कि ये फाइनेंस का काम करती हैं। फाइनेंसर है मैडम, प्राइवेट जॉब है। कास्ट की बात करें तो शायद, कास्ट की बात करें तो मैडम का शायद है, और सिटी आगरा है। मैडम आगरा की रहने वाली हैं, स्टेट उत्तर प्रदेश यानी यूपी की, आगरा की मैडम रहने वाली हैं। और क्रिएट बाई सिस्टर, यानी क्रिएट बाई सिस्टर का मतलब है कि ये जानकारी किसने हमारे तक क्रिएट किया है, हमारे तक पहुंचाया है। तो मैडम की एक छोटी बहन है या बड़ी बहन है ये हमें क्लियर नहीं है, लेकिन मैडम की एक बहन और है। मैडम टोटल 2 बहन हैं, तो उनकी बहन ने हमारे तक ये रिश्ता पहुंचाया है, साझा किया है हमारे तक। और ब्रदर की बात करें तो इनके पास टोटल 2 भाई हैं, इनके पास टोटल 2 भाई हैं। एक की मैरिड हो चुकी है और एक की अभी नहीं हुई है। एक की मैरिड हुआ है और एक बहन की होने वाला है, यानी जिसके बारे में रिश्ता हम आपको बता रहे हैं। और एनुअल इनकम की बात करें, एनुअल इनकम की बात करें तो मैडम ना के बराबर पेमेंट कमा है, मैडम ना के बराबर काम करती हैं या पेमेंट कमाती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc यानी मास्टरी की मैडम ने पढ़ाई की है, शिक्षिका का। हो सकता है कि कुछ दिन बाद मैडम एक टीचर हो जाएं। मैडम का एक प्रोफाइल नंबर आपको शो कर रहा है प्रोफाइल में, तो उसको हमने गुप्त कर रखा है नंबर को। इसकी वजह यह है कि हो सकता है अगर हम नंबर इसे पब्लिश कर दें तो वीडियो 1000 भी देखते हैं, 1 लाख लोग भी देखते हैं। तो मान लीजिए 1000 लोग अगर मैडम के पास कॉल लगाएंगे तो मैडम तो परेशान होंगी, साथ साथ उनके पेरेंट भी परेशान होंगे कि हमने कहाँ पे मैरिज ब्यूरो में किस जगह अपना ऐड दे दिया जो इतना कॉल्स आ रहे हैं। और दोस्तों खास बात यह है कि जो लोग रिश्ता लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 90% रिश्ता लेंगे, ठीक है, लेकिन 90% उनमें से लोग इंटरटेनमेंट के लिए, हंसी मजाक ठिठोली मस्ती करने के लिए कॉल करेंगे। 10% लोग जो शादी करने की चाह रखते होंगे, तो इस कदर से हम लोग नंबर ब्लर करके रख देते हैं, गुप्त कर देते हैं। हाँ, आपको यही नंबर चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में कॉल करिए। हमारे ऑफिस का नंबर नीचे शो कर रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुबह को 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कॉल करिए। जी दोस्तों सुबह को 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉल करिए, चाहे मैम उठाएं चाहे सर उठाएं, आप उनसे बात करिए कि हमें रिश्ता चाहिए काजल मैडम वाला। हाँ, अगर आपके मन में डाउट है, थोड़ी सी भी शंका है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें ये रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय है, आप स्क्रीन शॉट फोटो रख लीजिएगा। जो इसमें बायोडाटा आपको दिख रहा है, आप ये बायोडाटा रख लीजिएगा और स्क्रीन शॉट फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। डेफिनेटली आपको 100% 101% की गारंटी वही रिश्ता आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये रिश्ता कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। क्या आप इस रिश्ते के लिए लायक हैं कि नहीं हैं, आप चाह रखते हैं कि नहीं, ठीक है दोस्तों।
आपका छोटा भाई इजाजत आपसे लेना चाहता है। फिर एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, जय हिंद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।